अलहमद लाब्आमी वसलात वसलाम अला रसोल करीम अम्माबाद मोहतरम नाजरीन आज का हमारा मौजू है खूसियात रमज़ान नाजरीन हम सब का गुज़र माह रमज़ान से हो रहा है माह रमज़ान अल्लाह रब्लम की रहमतों बरकतों वाला महीना है और इस माह की बहुत सी खसूसियात हैं अदीस की रोशनी में चंद खूसियात पेश ख़िदमत हैं बगौर समात फरमाएँ और इन खसूसियात को ज़ब्त दहन कर लें माह रमज़ान की पहली खसूसियत ये है ये महीना बरकत वाला महीना है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाहरुम मुबारक बाबरकत माह है बरकत का एक वसी मफहम है इस माह में हर नेक अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है भलाइयों की कसरत होती है और इस माह की हर घड़ी खैर और बरकत वाली है हर लम्हा रहमत और मगफ़रत और इस माह का हर दिन जहन्नम से आज़ादी का है एक रिवायत है पहला अशरा रहमत का दूसरा अशरा मगफरत का और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का लेकिन यह रिवायत सनत के एतिबार से ज़ीफ़ है माह रमज़ान का हर लम्हा हर घड़ी और हर दिन रहमत का मगफ़रत का जहन्नम से आज़ादी का है माह रमज़ान की दूसरी खसूसियत यह है व तगलुफ़ी ही मरदतुल्शयातन यानी शयातीन को माह रमजान में क़ैद कर दिया जाता है क़ैद कर दिया जाता है ताकि दीगर महीनों की तरह इस माह में शैतान बंदों को गुमराह ना कर सकें माह रमजान की तीसरी खसूसियत ये है तुफ हफ़ी है अब व तगल है जन्नत के दरवाज़े माह रमजान में खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं सुबह अल्लाह इस माह में सुबह अल्लाह इसमें बंदों की तकरीम है इसमें इस बात की ताक़द है नेकी के रास्तों को खोल दिया गया और शर और बुराई के रास्तों को बंद कर दिया गया माह रमज़ान की चौथी खसूसियत यह है वल्त उमिनार वहल काफिक्ह यानी हर दिन अल्लाहबालमीन अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करके उन्हें जहन्नम से आज़ाद करता है इसलिए ये माह मखफ़रत का और बख्शिश का महीना है नादरीन माह रमजान की पाँचवीं खसूसियत ये है इस माह में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है मसलन रोज़े का सवाब अनगिनत है हदीस कुदसी है अल्लाह आलमीन ने फ़रमाया असोमुली व अजजी अज़ी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूँगा यानी अल्लाह आलमीन रोज़े का आजर सवाब कितना देगा ये अल्लाह आलमीन ही बेहतर जानता है इसी तरह रमज़ान में उमरा का हज के बराबर है इसी तरह शब कदर की एक रात शब कदर की एक रात की इबादत एक हज़ार महीनों से बेहतर है इस तरह इस माह में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है सुबह अल्लाह माह रमदान की छठी खसूसियत ये है। नेकी में आगे बढ़ने और गुनाहों से बचने की दावत है हर दिन अल्लाह अल्लाहबालमीन की जानिब से निदा लगाई जाती है वना दा मुनादिन या बाग अल अकबिल व या बार अक्सर ए नेकी के तलबगार गारे नेकी के चाहने वाले आगे बढ़ता जा बुराई के चाहने वाले बुराई से बाज आ जा जाबत से बाज़ आ जा चुगली से बाज आ जा झूठ से बाज आ जा शराब से बाज आ जा हर बुराई से बाज आ जा क्योंकि ये नेकी का मौसम है तोबा और इस्फ़ार का मौसम है नादरीन माह रमज़ान की सातवीं खसूसियत ये है कि इस माह का नाम क़ुरान मजीद में खसूस तौर पर मस्कूर है जैसा कि अल्लाह रबालमीन ने कहा शाहरन रमज़ान का महीना ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रबालमीन कुरान मजीद को नादिल किया माह रमज़ान की आठवीं खसूसियत ये है रमज़ान में दुआ कबूल होती है नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह आलमीन रद्द नहीं करता उसमें उनमें से एक साइम रोज़दार की दुआ मुस्नद अहमद की एक और रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया लेकुल मुसलमिन दावतन मुस्तावतन यदड़ो बिहाफ़ी रमदान हर मुसलमान की एक दुआ कबूल की जाती है जिसे वो रमदान में करता है नाजरीन ख़ास कर इफ़ार से पहले का जो वक्त होता है मज़ीद दुआओं की कबूलीत का वक्त होता है नबी रहामत सल्ह वसम ने फ़रमाया असवाम हतायुफ़िर रोज़ादार की दुआ यहाँ तक कि वो इफ्तार कर लें अल्लाह आलमीन से दुआ है अल्लाह आलमीन इस माह मुबारक को इस बाबरकत और मुकद्दस महीने को ग़नीमत जान कर इसमें पूरे रोज़े रखने और दुआओं का अहतमाम कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करने की अल्लाह सब को तोफ़ी कता फ़रमाएँ आमीन और इन्नका तखब्बल समीउल अलीम व समीआलम अलैना इन्नका अनना तवाबुर रहीम